नरं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। राज इंद्र के आशीर्वाद से निर्मित यह भव्य नगर इंद्रप्रस्थ कहलाएगा। मैं ये इंद्रप्रस्थ धर्मराज युधिष्ठिर को भेंट करता हूं। मैं आपका आभारी हूं भद्र विश्वकर्मा। मैंने तो केवल अपने मुक्त होने का ऋण चुकाया है। धन्यवाद के पात्र तो वासुदेव कृष्ण है। मेरा आभार स्वीकार कीजिए वासुदेव। मैं युधिष्ठिर से धन्यवाद नहीं स्वीकार करूंगा। क्यों वासुदेव? चूंकि मुझे सम्राट युधिष्ठिर से धन्यवाद लेना है। समय आ गया है कि आप राजसूय यज्ञ संपन्न करके सम्राट की पदवी पाए। धर्मराज, यज्ञ का संकल्प लो। आर्यव्रत के समस्त राजाओं को निमंत्रण दो। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण आर्यव्रत आपका प्रभुत्व स्वीकार करे। वो महाअभिमानी भी जिन्हें लगता है कि पूरे संसार में उनका कोई तोड़ नहीं। वो जो वरदान के दंभ में सबको श्रापित समझते, वो जिनका प्रारब्ध इस राजसूय यज्ञ से जुड़ा है। आइए आइए छेदी नरेश, स्वागत है आपका। नरेश, टूटी टांग के लिए चिकित्सक से परामर्श ली? यह भी पता कितने इठला के चलते हैं। केश जितने श्वेत हो रहे हैं, दंत पंक्ति उतनी ही काली होती जा रही है। कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसको अभ्यास कर रहे हैं। क्षमा करना, महाबली सर्वशक्तिशाली दुर्योधन, हमें अभी अभी स्मरण हुआ, अभी अभी उपहास तो आपका करना चाहिए। क्या सर्वप्रथम पांचाल नरेश ने आपका उपहास किया?
पांचाली के स्वयंवर में उपहास हुआ आपका, और जब आप महाबली सर्वशक्तिशाली सम्राट दुर्योधन बनने वाले थे उस समय युधिष्ठिर ने मुकुट छीन लिया। और जब तुम युवराज बने तब तक युधिष्ठिर राजा बन चुका था। राजा कहावत याद आई, धोबी का श्वान ना घर का ना घाट का। बस बहुत क्षमा करना, वध मत करना, मैं मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, अस्त्र शक्तिशाली है। क्षमा करना, समझ में आया मेरे होने वाले सम्राट? मैंने छेदी नरेश को अकेले में मिलने के लिए क्यों बुलाया? इन्हें इन्हें वरदान है, वासुदेव कृष्ण के अतिरिक्त इन्हें और कोई नहीं मार सकता। हाँ, और वासुदेव कृष्ण भी इनका वध तभी कर सकते हैं जब ये उनके समक्ष 100 अपराध पूर्ण ना कर लें। वासुदेव कृष्ण के हर छल का उत्तर है ये। छेदी नरेश, शिशुपाल,